हेलो वीवर्स, मैं डॉक्टर रचना होम्योपैथिक फिजिशियन। आज ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्शन सिंड्रोम की होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे जिससे कंप्लीट क्योर करती है होम्योपैथिक विदाउट एनी साइड इफेक्ट। ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्शन सिंड्रोम लाइक अनदर नेम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी ADS मीन्स सडन ऑनसेट ऑफ द एक्सेसिवली हाई ब्लड प्रेशर इज मोर कॉमन इन पीपल विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज द इन्वॉल्व द थोरैकिक नर्व of the spines and above T6 and the above. Spinal cord injuries मतलब होता है trauma conditions like किसी भी तरीके का infection, blood pressures high हो जाते हैं, thoracic nerve में effect पड़ता है जिसके कारण से ये conditions appear हो जाती हैं. Causes of ADS autonomic dysreflexion syndrome bladder infection, UTI infection, blockage catheters of the overly filtered collecting bag, bowels, irritable, constipations, impactations, piles like hemorrhoids, infections, other trauma diseases and other health diseases के कारण injuries होती है. Injury like किसी भी तरीके की injury हो सकती है, pain आ सकते हैं, inflammation create हो सकता है या suddenly slip disc हो जाता है. किसी भी तरीके की इंजुरी अपेयर होती है तो ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्शन सिंड्रोम अपेयर होता है. इनके साइनिंग सिम्टम्स क्या होते हैं? हैवी स्वेटिंग, एंगजाइटी, स्लो हार्ट रेट, ब्लूइड विजन, वर्स पम्प ऑन द लोअर बॉडीज, ट्रबलिंग ब्रीथिंग एंड स्टिफ नोज, ब्लॉकेज नोज, आईज रेडनेस, ईचिंग, बर्निंग इन आईज एंड लिम्स पेन एंड डिप्रेशंस. ये साइनिंग सिम्टम होते हैं इसके, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज के, ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्शन सिंड्रोम के. इनके होम्योपैथिक मेडिसिन बताने से पहले आपको बता दें कि एक स्पाइनल डिसऑर्डर है और ट्रॉमेटिक कंडीशंस अपीयर हो जाती हैं इसमें. आप इसे एक्यूट कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं अगर आपको किसी तरीके का अदर हेल्थ इशूज नहीं है. आप इसे 1-2 वीक से यूज़ करिए. रिलीफ है तो इसे कंटिन्यू 24 वीकली यूज़ कर सकते हैं. बट अगर आपको ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्शन सिंड्रोम या स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज से क्रॉनिक कंडीशन से सफ़र कर रहे हो, साथ में अदर हेल्थ इश्यूज़ भी आपको है, तो मैं आपको ये गाइडलाइन दूंगी कि आपको होम्योपैथी कंसल्ट करना चाहिए जिससे आप कंप्लीट क्योर हो सके विदाउट एनी साइड इफेक्ट. होम्योपैथी में इंबलाइजेशन, केस टेकिंग, कॉन्स्टिट्यूशन भी आप ट्रीटमेंट्स होते हैं. अपने नियर बाई होम्योपैथी MD डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं अगर क्रॉनिक कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं. होम्योपैथी मेडिसिन्स नेम है, फर्स्ट है आर्निका 2 टाइम्स अ डे फॉर 24 वीक के लिए यूज़ कर सकते हैं. सेकंड है कैलकेरिया फॉस्फोरिकम 6x2 टैबलेट 3 टाइम्स अ डे फॉर 24 वीक के लिए यूज़ कर सकते हैं. ये दो मेडिसिन साथ में यूज़ करनी है आपको. आप एक स्टार्टिंग में 2-3 वीक्स की यूज़ करिए, अगर रिलीफ है तो आप 24 वीक यूज़ कर सकते हैं. अगर किसी तरीके का अदर हेल्थ इशूज आपको नहीं हो, सेम जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं, कॉजेज बताए हैं, इसके भी आप पे ये मेडिसिन है. डाइट इंस्ट्रक्शंस में पिकल्स अवॉइड करना है, एक्सेसिव सॉल्ट, एक्सेसिव शुगर अवॉइड करना है, विटामिन सी रिलेटेड फूड्स को अवॉइड करना है. आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पुश कर लें जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके. ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्शन सिंड्रोम से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज से तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं.